सलाम का जवाब देवे जोर से। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى हया से हुस्न की कीमत दो चंद होती है, हया से हुस्न की कीमत दो चंद होती है, ना हो जो आप तो मोदी की आबरू क्या है। मोहतरम सामईन इकराम, मैं आज आप हजरात के सामने पर्दे की अहमियत के उन्वान पर कुछ लग कुसाई की जसारत कर रही हूँ, इस उम्मीद पर के आप हजरात गौर समाज फरमा कर मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे और इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जबकि जुल्म-ओ-सितम उरूज पर था, इंसान थे, इंसानियत नहीं थी, अरब माहौल में बेहयाई और बदकारी की शर्म की कोई बात नहीं थी, और के फारसी व उरियानियत के सैलाब में बहती जा रही थी और सऊद का जरिया समझी जाती थी। बदकारी और बेपरदगी अपने सबाब की हद पार कर चुकी थी, कोई रोकने टोकने वाला ना था। इस्लाम ने ऐसी उरियानी व फारसी पर हुकूमत की ऐसी महफिल गाड़ दी कि दुनिया की कोई ताकत इनमें खोखा उखाड़ नहीं सकती। चुनांचा बारी ताला पर्दे की अहमियत बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला। अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म फरमाया है कि तुम अपने घरों में इत्मीनान से बैठी रहो और अगले जाहिलियत के जमाने की तरह अपना बना सिलवा दिखाती ना फिरो। लेकिन आज की औरतों का बिल्कुल अजीब हाल हो गया है। शरीयत कुछ कहती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल कुछ कहते हैं और अमल कुछ और है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ए औरतों तुम अपने घरों में इत्मीनान से बैठी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, और जाहिलियत के जमाने की तरह अपना बना सिंघार दिखाती ना फिरो। लेकिन आज की औरतों का बिल्कुल अमल बिल्कुल उल्टा है, वह घर बैठने के बजाय बिल्कुल इत्मीनान से घर के बाहर घूमती फिरती है और अपना बना सिंगार खोल खोल कर खुल्लम खुल्ला दिखाती फिरती है, बल्कि समझती है जब तक के अजनबी मर्द की नज़र इस बना सिंगार पर ना पड़ जाए तब तक के इस बना सिंगार पर लगा हुआ रुपया बेकार चला गया। जब भी देखे मोहल्ले के पास पड़ोस में हाँ में हाँ मिलाने वाली 5 से 10 औरतें मजलिस लगा कर बैठ गई, इसके उसकी कीमत शुरू कर दी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को कोसना शुरू कर दिया, शोहर की बुराई को बयान करना शुरू कर दिया। आखिर अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने की फुर्सत कहाँ मिलेगी। शरीयत जिंदगी की हर मोड़ पर आपकी भलाई चाहती है और अमल व किरदार बता रहा है, खैर वो भलाई आपको पसंद ही नहीं है। मोहतरम मेरी मोहतरम माँ और बहनों, आज के जमाने की तरह जाहिलियत के जमाने में भी ऐसा रिवाज था कि औरतें बन ठन कर मुकम्मल बना सिंगार करके मर्दों के हुजूम में घूमती फिरती थी और अपना बना सिंगार दिखाती थी। गले बना सिंगार की तरकीबें भी अजीब थी, गले का हार और दूसरे जवाहरात पहनकर इस तरह चमक चमकदार से चलती कि मर्दों की शान और शौकत देखकर हैरान व सुशीत रह जाते। हमारे जमाने में भी हूबहू इस तरह बल्कि इससे भी बढ़कर हो रहा है। ये शादी के जलसे, टी पार्टी, सिनेमा थिएटर, गार्डन, बाग बगीचे, ईद के इज्तिमा और खेलकूद में जाकर देखो तो मालूम होगा मुसलमान खवातीन ने शर्म और हया का क्या हाल बना रखा है। और बंद कर दो। और जमाने जाहिलियत की औरतों से कितना फासला रखा गया है। मोहतरम सामईन, मज़कूरा बाला आयत से ये दो बातें वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि एक तो औरतों के लिए काम करने का असल मैदान घर है, ना कि घर के बाहर, इसलिए घर के बाहर सैर सपाटे और खेल कूद में। और खेल कूद में जाना ये सब नाजायज और हराम है। واخر الدعوان الحمد لله رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله
अल्लाह तबारक व ताला इस बच्ची की हिम्मत और जुर्रत को कबूल फरमावे और आइंदा अल्लाह तबारक व ताला इसको दाई